गाइस क्रिसमस तो सामने आने वाली है, इसलिए मैं आज आपको क्रिसमस स्पेशल ड्राइंग दिखाने वाली हूँ। और आपको तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैंने इस ड्राइंग में कौन सा मीडियम यूज किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। और ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ड्राइंग। तो गाइस मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं फर्स्ट एक रिबन ड्रॉ कर रही हूँ ना, मैं क्रिसमस बेल ड्राइंग कर रही हूँ। गाइस ये ड्राइंग ना इजी नहीं है, ये मीडियम लेवल का ड्राइंग है। अगर आप इसको प्रॉपरली एज इट इज फिनिश करना चाहते हो तो आप ये ड्राइंग वीडियो को पूरा देखो फर्स्ट, फिर अटेम्प्ट लो, तो डेफिनेटली आप ये ड्राइंग कर पाओगे। और मैं लाइन ड्राइंग के लिए 2B पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब चाहो तो आप HB पेंसिल भी यूज कर सकते हो। मैं 2B पेंसिल यूज करती हूँ क्योंकि 2B पेंसिल से अगर मैं ड्राइंग करूंगी तो ये ड्राइंग का विजिबिलिटी अच्छा होता है वीडियो में, इसीलिए। अब मेरा ब्लाइंड ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर से ब्लैक परमानेंट मार्कर से आउटलाइन कर रही हूँ। ये आउटलाइन करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये आउटलाइन करोगे तो आपका ड्राइंग और भी ब्यूटीफुल एंड प्रोमिनेंट लगेगा। मेरा लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं कलर करने वाली हूँ। और इस ड्राइंग में मैंने जो जो कलर यूज किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए कलर स्टार्ट करते हैं। अब मैं कलर कर रही हूँ। मैं फर्स्ट रोज पिंक कलर यूज कर रही हूँ रिबन में। नाउ डीप रेड। नाउ मैं मरून कलर यूज कर रही हूँ। गाइज ये ड्राइंग में मैंने जो जो कलर यूज किया है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपके पास मैंने जो कलर यूज किया है वो पर्टिकुलर कलर ना हो तो उसका सिमिलर जो भी कलर आपके पास हो आप उसको यूज कर सकते हो। अब मैं इसको कार्टन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल यूज कर रही हूँ डार्क पोर्शन में, जहाँ पे शेडो पड़ा है वो सब पोर्शन में। अगर आपके पास ब्लैक ल्यूमोग्राफ पेंसिल ना हो तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अब मैं सीजर के हेल्प से थोड़ा सा हाईलाइट पोर्शन जो है उसको डिफाइन कर रही हूँ। नाउ मैं मीडियम येलो एंड येलो आकर कलर यूज कर रही हूँ। नाउ ऑरेंज। Now vermilion hue. Guys, मैंने बेल पे येलो एंड ऑरेंज का टोन ही यूज किया है। जो बेल का जो गोल्डन कलर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद। नाउ मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ लीफ का जो शेडो है और डार्क पोर्शन है बेल का वो करने के लिए। अब मैं इसको कार्टन बार से ब्लेंड कर रही हूँ। नाउ मैं इसका स्कारलेट कलर यूज कर रही हूँ। गाइज ये ड्राइंग करके आप हमें रंग कैनवास का जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें भी शेयर कर सकते हो। नाउ मैं डार्क ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बार से। नाउ अगेन मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ ऑरेंज। नाउ मीडियम येलो। अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन बार से और डार्क टोन दे रही हूँ डार्क ब्राउन कलर से। गाइज मैंने ऑलमोस्ट बोथ बेल पे सिमिलर कलर यूज किया है। और गाइज अगर आपने अभी भी रंग कैनवास को फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अभी फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ मैं कलर पेंसिल यूज कर रही हूँ जहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन है, शार्प एजेस है, हाईलाइट पोर्शन है, वो सब करने के लिए। ये अगर आप कलर पेंसिल से करोगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शार्प फिनिश होगा। फर्स्ट बेल के तरह ही सिमिलर कलर ही मैंने ये बेल पे यूज किया है, इसका भी फिनिश गोल्डन होगा।
अब मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस मैं फिंगर से रब करना ही प्रेफर करती हूँ। मैंने बहुत सारा कलर बार बार यूज किया है गाइस ये ड्राइंग में, इसलिए मैं सेम कलर का नाम आपको बार बार नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है ये कौन सा कलर है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने मेंशन कर दिया है और मेरे वीडियो में तो कलर के साथ कलर का नाम मेंशन किया हुआ है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इसलिए मैं बार बार सिमिलर कलर का नाम आपको नहीं बताऊंगी। ये मैं रिबन का जो शेडो पड़ा है बेल के ऊपर वो कर रही हूँ। ना मैं रिबन का कलर कर रही हूँ, रिबन में मैं फर्स्ट पिंक कलर यूज कर रही हूँ। नाउ रोज पिंक, नाउ ऑरेंज एंड स्कारलेट। नाउ मैं डार्क टोन के लिए मरून कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं कॉटन बड यूज कर रही हूँ ब्लेंडिंग के लिए। अब थोड़ा सा व्हाइट कलर से हाईलाइट पोर्शन दे रही हूँ। अगेन मैं सीजर से जो हाईलाइट पोर्शन है रिबन का वो कर रही हूँ। ये रिबन का अनदर जो पार्ट है इसमें भी मैं सिमिलर कलर टोन यूज कर रही हूँ। अगेन मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। गाइस इस ड्राइंग के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने तो ऑलरेडी दे दिया है। अभी आप ये ड्राइंग वीडियो को एंजॉय कीजिए विद म्यूजिक और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए कि ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। गाइस अब मेरा ड्राइंग का जो मेन पार्ट है मेन सब्जेक्ट है ड्राइंग का उसका कलर तो हो गया है। अब बारी है बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में मैं कोबाल्ट ब्लू यू कलर फर्स्ट दे रही हूँ हाईलाइट पोर्शन में। नाउ पुशन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ और अब ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। ये बैकग्राउंड डार्क होगा। अब जितना डार्क बैकग्राउंड करोगे गाइस उतना ये ड्राइंग कंट्रास्टिंग लगेगा और दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगेगा। नाउ मैं एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ। गाइज अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं मास्किंग टेप्स रिमूव कर रही हूँ। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये ड्राइंग करके हमें जरूर शेयर कीजिए इंस्टाग्राम में। तो गाइज ये था मेरा आज का ड्राइंग। कैसा लगा आपको ये ड्राइंग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और ये ड्राइंग